एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कोई रिव्यू लेके नहीं आई हूँ, मैं आज आप लोग से कुछ बोलने आई हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट भी करने आई हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। आज जो मैं बातें करने आई हूँ वो बात भी इसी से रिलेटेड है और समझ में नहीं आता है कि क्या मैं आप सबको बोलूं और या आप सबसे। तो जो भी मैं बातें बोलूंगी उसको अदरवाइज मत लीजिएगा आप लोग, मैं वो एक रिक्वेस्ट मोड में ही आप सबको बोलूंगी और एक फैक्ट भी बोलूंगी जो कि बहुत बड़ा फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जो बड़े सब्सक्राइब मतलब जो बड़े यूट्यूबर होते हैं, पहली बात तो ये, कुछ यूट्यूबर होते हैं जो कि रातों रात फेमस हो जाते हैं, क्योंकि वो एक फेमस पर्सन होते हैं, मतलब फेमस लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके सपोर्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत पुराने यूट्यूबर हैं, वो बहुत फेमस हैं और उनके कुछ सपोर्टर हैं, उन्होंने किसी का चैनल प्रमोट कर दिया तो वो रातों रात बन जाते हैं। मेहनत सभी करते हैं, मैं ये नहीं कहूँ कि मेहनत सिर्फ हम लोग करते हैं, वो लोग भी बहुत करते हैं, लेकिन मेन ये हो जाता है कि हम जैसे लोग जो न्यू यूट्यूबर हैं जिनका ना कोई सपोर्टर होता है और ना ही कोई, हम लोग का बैकग्राउंड ऐसा है कि क्या बोलते हैं, हम कोई सीरियल टीवी सीरियल के एक्ट्रेस हैं या कुछ भी नहीं ऐसे हैं फेमस, तो हम लोग को ना सालों साल लग जाता है, साल दो साल तीन साल चार साल हम लोग वीडियो तो बनाते हैं लेकिन कोई देखता नहीं है और ना ही कोई लाइक करता है ना शेयर करता है। कुछ लोग देखते हैं लेकिन उस देखने से कोई फ़ायदा मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है, अगर एक भी व्यू आता है तो बहुत ही बड़ी बात है हम लोग के लिए, लेकिन मोरल डाउन हो जाते हैं। डाउन इसलिए हो जाता है, लगता है देखिए बहुत बड़ा सच है जो भी आता है यूट्यूब पे, तो वो जाहिर सी बात है कुछ अर्न करने आता है, बहुत लोग की नीड होती है कि भैया हमको करना है, तो उसमें से मैं भी एक हूँ कि मुझे भी, मेरी भी नीड है, ज़रूरत है कि मुझे अर्न करना है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ भी दिखा दूँ, मैं अपने चैनल पे जो भी बनाती हूँ बहुत सही दिखाती हूँ आप लोगों को और मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी मेरा रिव्यू होता है ऑनेस्ट रहे, क्योंकि मैं आप लोगों को गलत दिखा के अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यू जो व्यूवर्स हैं उनको कभी भी रॉन्ग मैसेज नहीं पास करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कोई मुझे रॉन्ग मैसेज दे। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को समझ सकते हैं, हम नए यूट्यूबर हो क्या होता है, जब हम किसी से बोलते भी हैं किसी चैनल में कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनसे बोलते भी हैं कि प्लीज़ हम लोग के भी चैनल को थोड़ा सा हम लोग का भी चैनल प्रमोट कर दीजिए, तो वो लोग नहीं सुनते हैं। पहली बात तो कुछ लोग तो रिप्लाई नहीं करते हैं कि मतलब उनको नहीं लगता है रिप्लाई करना, समझ सकते हैं वो बड़े हो गए हैं तो इसलिए नहीं उन लोग को लगता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी वो लोग गलत हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, हो सकता है मेरा मैसेज ना देखते हो, लेकिन तो हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब आप लोग के हाथ में है, मैं जानती हूँ कि सारा कुछ आप लोग के हाथ में है, अगर आप चाहेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और मेरी वीडियो के व्यूज़ भी बढ़ेंगे, और मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा जो भी वीडियो आएगा ऑनेस्टी से भरा हुआ आएगा, उसमें कोई भी आपको रॉन्ग मैसेज नहीं दिखाएगा कि नहीं ये नहीं ये करने से ये होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, तो और अच्छे कमेंट भी करिए। अभी तो मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब का जो फैमिली हो बहुत बड़ा हो और मैं धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोअप करूँ आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ जिससे कि आप लोग के लिए अच्छी यूज़फुल हो। हर वीडियो से ही बात है कि और मैं जब फेमस हो जाऊंगी तभी मैं ब्लॉग भी अपना बनाऊंगी इसी चैनल पे, तो प्लीज़ तब तक के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ का व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को और मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊंगी थोड़ा सा जहाँ मैं बैठी हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बोलते हैं आप किसके नीचे बैठी हैं, मैं एक पेड़ के नीचे बैठी हूँ और जो नेचर होता है उससे खूबसूरत कुछ नहीं होता है, ये मुझे नेचर बहुत अपने तरफ मतलब अपने तरफ वो बहुत खींचता है नेचर। अगर मुझे बोला जाए कि जंगल जाओगी, जंगल में घूमना पसंद है कि तुमको
क्या बोलता है जो महानगरों में घूमना पसंद है, तो मैं जंगल बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन भी मेरा ऐसे ही बीता है जंगलों में, तो इसीलिए अभी तो मैं उतना जंगल नहीं देख पाती। लेकिन आप लोग अगर मुझे जितना फेमस करेंगे तो मैं जंगल भी देखूंगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी, तो इसीलिए अगर चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। आप सब में किसको किसको नेचर हरियाली बहुत पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके हाथ में है, मैंने ये मैसेज छोड़ दिया आप लोग के ऊपर, अगर कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए भी सॉरी बोल रही हूँ। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी बड़े यूट्यूबर को ब्लेम करना या कुछ, इसलिए कि वो भी अपना मेहनत करते हैं, उनकी मर्ज़ी है, हो सकता है वो नहीं देखते हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर और क्या बोलता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्दी ही एक और रिव्यू लेके आने वाली हूँ, और रिव्यू सिर्फ नहीं लेके आऊँगी, और भी बहुत कुछ लेके आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस चैनल पे, तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और मैं कोशिश करूँगी, अभी तो ऐसे घर पे ही करती हूँ, लेकिन मुझे मैम ने आपको जैसा बताया कि मुझे जंगल बहुत पसंद है, तो अभी धीरे धीरे आदत हो जाएगा बाहर भी करने का, तो खैर कोई बात नहीं है, सब देखने के लिए वीडियो बना दूँ। आप लोग प्लीज़ देखिए कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।